बीएड सेकंड ईयर की हिस्ट्री पैदागोजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर की हिस्ट्री पैदागोजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। हमारा प्रकरण है शिक्षण अधिगम में समाचार पत्रों का उपयोग। तो शिक्षा के क्षेत्र में समाचार पत्रों का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी इस प्रकरण के माध्यम से पढ़ेंगे। तो शिक्षा के समाचार पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें घर बैठे ही देश विदेशों की खबर है वो जानकारी है वो प्राप्त हो जाती है। अतः समाचार पत्र के अंतर्गत ऐसे प्रकरण आते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में समाचार पत्र का उपयोग है वो विभिन्न प्रकार से किया जाता है। पहला है स्वाध्याय का विकास। पहला कौन सा है? स्वाध्याय का विकास। शिक्षा के क्षेत्र में समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि समाचार पत्र को पढ़ने से छात्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के स्वाध्याय यानी सब अध्ययन करने की आदत का विकास होता है, क्योंकि समाचार पत्रों के अंदर ऐसे खबरें आती हैं जिनकी वजह से उन्हें पढ़ने के अंदर छात्रों को काफ़ी आसानी रहती है। इस प्रकार से समाचार पत्र है वह छात्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के स्वाध्याय की आदत का निर्माण करती है। नेक्स्ट है भाषा विकास। दूसरा है भाषाई विकास। समाचार पत्र के रोजाना अध्ययन से छात्रों के अंदर भाषा संबंधी कौशल का विकास होता है। समाचार पत्र के द्वारा छात्रों में विभिन्न प्रकार की भाषाओं के अंदर आने वाले विभिन्न प्रकार के कठिन शब्दों का भी अनुकरण में आसानी से कर सकते हैं और उनके वाचन के अंदर आने वाले विभिन्न प्रकार की भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अतः समाचार पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा छात्रों में भाषाई योग्यता से संबंधित कौशलों का निर्माण होता है। अतः छात्रों के पास असीमित मात्रा में सब भंडारों का भी विस्तार होता है। भाषाई विकास के लिए समाचार पत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है गणितज्ञ ज्ञान का विकास। थर्ड नंबर पर है गणित ज्ञान का विकास। समाचार पत्र के माध्यम से छात्रों के अंतर विभिन्न प्रकार के गणित से संबंधित ज्ञान का काफी महत्वपूर्ण योगदान विकास होता है, क्योंकि वर्तमान समय में समाचार पत्र में ऐसी विभिन्न प्रकार के वर्ग पहले आते हैं और विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रश्न आते हैं जिनको छात्र वह आसानी से हल करने में अपने दिमाग को व्यवस्थित करता है, जिसकी वजह से छात्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के वर्ग पहलियों को भरने से विभिन्न प्रकार के गणित के संबंधित ज्ञान का विकास होता है और कुछ बड़े से बड़े सवाल भी आसानी से कर देते हैं अनेक प्रकार, जिसके लिए छात्रों को जो पहेलियाँ गणितीय या पहेलियाँ बहुत करते तो उन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। इस प्रकार से गणित के ज्ञान के विकास के लिए भी समाचार पत्र और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। फिर नेक्स्ट है नैतिक विकास। समाचार पत्र की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि ये समाचार पत्र के माध्यम से नैतिक छात्रों के अंदर नैतिक विकास की भावनाओं को उजागर किया जा सकता है, क्योंकि नैतिक विकास के भावना को समाचार पत्र के माध्यम से इस प्रकार से उजागर किया जाता है, क्योंकि नैतिक समाज विभिन्न समाचार पत्र में ऐसे लेख भी आ जाते हैं जिसकी वजह से छात्रों के अंदर नैतिक चरित्र का उद्घाटन होता है। जैसे भी महान पुरुषों से संबंधित है, वैसे किसी की ईमानदारी से, जैसे एक ऑटो रिक्शा वाले ने वो किसी का पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है तो ऐसी खबर वो बैग है वो पुलिस थाने में देखता है और वो आर्थिक मालिक को बैग मिलता है, तो ऐसी घटनाएं सबकर आती है जिससे छात्रों के अंदर नैतिकता के गुणों का विकास होता है और छात्र वो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन है वो करते हैं। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में समाचार पत्र की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सामाजिक
आर्थिक विकास की भूमिका को जागृत करने के अंतर्गत समाचार पत्र की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आजकल वर्तमान समय में समाचार पत्र में विभिन्न प्रकार से सामाजिकता से संबंधित कहानियों का प्रकाशन होता है। इसके अंदर भावों में प्रेम और सहयोग और उपरोपकार की भावना को जागृत किया जा सकता है। इस क्षेत्र में समाचार पत्र में अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे भारत में उन कहानियों को पढ़कर जनों के अंदर सामाजिकता के भाव को जागृत किया जा सकता है। इस प्रकार से सामाजिकता के संबंध में भी समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है पर्यावरण की ज्ञान। नेक्स्ट है पर्यावरण नियम शिक्षा के क्षेत्र में पर्यावरण ज्ञान का विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है और यह ज्ञान भी समाचार पत्रों के माध्यम से भी मिलता है, क्योंकि समाचार पत्र के माध्यम से वर्तमान समय ऐसी स्थिति है कि वर्तमान समय में हम जो हमारे चेहरों और प्रदूषण है वो काफ़ी तीव्र गति से फैल रहा है। ध्वनि प्रदूषण हो चाहे वायु प्रदूषण हो चाहे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है, ये सभी प्रदूषण है ये तीव्र गति से फैल रहे हैं, तो इनके बारे में समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार से पर्यावरण संबंधी लेखे वो छपकर आते हैं, जिससे छात्र पढ़कर अपने पर्यावरण ज्ञान के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए छात्र पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न से नए और अत्यधिक मात्रा में पेड़ वृक्षारोपण करने का संकल्प लेते हैं। इस प्रकार से पर्यावरण ज्ञान के लिए भी समाचार पत्र अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक ज्ञान का विकास। समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि यह बालकों के सामान्य ज्ञान को विस्तृत करने के अंतर्गत अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान के द्वारा ही बालकों के अंदर विभिन्न प्रकार के से देश से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है। जितना बालक का सामान्य ज्ञान जितना बढ़ेगा उसके उतना ही वह बालक एवं तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। तो समाचार पत्र के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे समाचार पत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की खबरें आती है, जैसे राष्ट्रीय स्तर की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, आदि सूचनाएं समाचार के माध्यम से छात्र को प्राप्त हो जाती है। अगर छात्र का जो है वो सामाजिक ज्ञान के अंदर वृद्धि होती है और हम छात्र को किसी भी सामाजिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो किसी भी प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकेंगे। फिर है पठन क्षमता का विकास। नेक्स्ट है पठन क्षमता का विकास। पठन क्षमता का विकास बताते हैं कि बालकों के अंदर समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ने की क्षमता का काफी महत्वपूर्ण तरीके से विकास होता है। इसके अंतर्गत पत्र पत्रिकाओं के द्वारा छात्रों में विभिन्न प्रकार के रुचि को जागरूक किया जाता है, जिससे छात्र हैं और विभिन्न प्रकार के जैसे हर छात्र की रुचि अलग अलग बार के पेजों को पढ़ने की होती है। किसी के खेल पृष्ठ पढ़ने की होती है तो किसी को बॉलीवुड से संबंधित पेज पढ़ने की होती है तो किसी को व्यापार व वाणिज्य से संबंधित होती है। इस प्रकार से हर छात्र के लिए निरंतर पठन क्षमता का विकास है वो समाचार पत्र के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार से समाचार शिक्षा के क्षेत्र में समाचार पत्र का विशेष रूप से महत्वपूर्ण